अस्सलाम वालेकुम। रात को हम लोग हातिम हुसैन के पास रुक गए थे। अभी यहाँ पे मैं और वैस मम जागे हैं, मुंह हाथ धोए है। तो अभी ये बादाम और साथ में खुबानी खुबानियाँ आ गई हैं खाने के लिए, और उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। फिर आपको बाहर का माहौल फिर दिखाते हैं। आपको बाहर का मॉल दिखाते हैं, या आपका इस गांव का क्या नाम है? खेरजांग अस्ताक खेरजांग खेरजंग रोंदू अस्तक नाम है इस गांव का, रोंदू रोंदू नाम है इस गांव का। तो फिर इस गांव का बाहर का मॉल भी आपको दिखाते हैं, गांव की खूबसूरती, गांव का कल्चर। सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये जी प्राग क्या होता है इनका, चाय वानिया क्या व्यूज कैसे हैं आप सर? ये हम इधर आए हैं जी खेरजंग अस्ताक रोंदू में, और यहाँ का कल्चर है, एक कल्चर समझ ले आप कि यहाँ पे हम लोग पीते हैं मीठी चाय शक्कर वाली, तो यहाँ पे लोग पीते हैं नमकीन चाय नमक वाली चाय, वो शक्कर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। और नमकीन चाय का ये है कि वो आपकी थकावट जितनी भी हो, जितनी ज़्यादा थकावट हो आपको पीने से थकावट उतर जाती है, बड़ी ही बेहतरीन जायका है इसका और बड़ी अच्छी चाय है, शक्कर वाली चाय से भी अच्छी होती है। तो कभी आइएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी जी खादम भाई हैं जिनके पास रात को हम लोग रुके हैं। ये साथ में यूसुफ भाई हैं, तो अभी ये लोग अपने गांव की सैर कराएंगे हमें इंशाल्लाह। अभी हम लोग बह रहे हैं, ये आलू लगा हुआ है, देसी आलू पहाड़ी आलू होते हैं सर, पहाड़ी आलू। ये नीचे ये सब्जी वगैरह सब्जी छोटी छोटी वगैरह यहाँ पे लगाई हुई है, सेके मकई वगैरह लगे हुए हैं, वो मकई लोबिया है, वगैरह, वो आगे लोबिया लगा हुआ है, वो प्याज, वो मिर्ची, प्याज, मिर्ची मिर्चें, खीरा, साथ खीरा लगा हुआ है, सारी चीज़ें उन्होंने लगाई हैं। सामने सामने पहाड़ का व्यू भी देख रहे हैं, वो रूट जिससे हम रात को आए हैं। देखें, इस रास्ते से रात को हम लोग आए हैं। रात को तो इस रास्ते का इतना नहीं पता चल रहा था, लेकिन बड़ा खतरनाक रास्ते। ये चक्कर आ जाओ अंदर सर, खादिम भाई लोगों का घर है, ये ये पुरानी गलियां जुमो याक जैसे कहा जाता है, यहाँ की जुबान में इसे जुमू बोलते हैं। इन्होंने जब किया तो सर इसका यहाँ पे क्या गया। अभी हम लोग देखते हैं, ये गांव का आखिरी घर है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि एक आदमी ने आगे रखा हुआ है जुमू याक, तो देखते हैं अगर हमें नजर आ जाए। ये जी जुमू हमें नजर आ गया, लेकिन इसके बाल वगैरह इन्होंने काटे हुए हैं, है भी बचा अभी। है भी ये बचे, तो देखते हैं अगर दूसरा में कई जगह पर नज़ मिल जाए, नज़र आ जाए, तो वो भी आपको दिखा दे। पानी आ रहा है पहाड़ के अंदर से, अगर मौजूद आपको दिखाए तो वो देखें पहाड़ के अंदर से पानी निकल रहा है, और ठंडा, इतना ठंडा है कि फ्रीजर की जरूरत नहीं है, सही ऐसे समझे कि बर्फ का पानी है ठंडा, और पीने का कुदरती पानी है। यहाँ के लोगों का पानी का ज़रिया भी यही है, ये जो चश्मे वगैरह पहाड़ से निकले हुए हैं, ये सारे लोग यही पानी इस्तेमाल करते हैं। सारे किसी जगह तक खुबानी के पेड़ हैं सारे, और ये सामने पहाड़ है। रात को हम लोग जिस रास्ते से आए थे वो सामने सारे खुबानी के पेड़ लगे हुए हैं, साथ में ये पॉपुलर सफ़ेदे लगे हुए हैं जिन्हें ये लोग इस्तेमाल करते हैं कड़ियाँ बनाने में, घरों के अंदर जो लगती हैं। ये जी गलियाँ देखें, डिज़ाइन देखें इनके घरों के, आप जिस तरह पुरानी सकाफत थी। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आलू की काश्त करते हैं, आलू का सीज़न है। ये देखें आलू की बोरियां इन्होंने रखी हुई हैं, अभी जीप या ट्रैक्टर आएगा ये ले जाएगा।
हर जगह से पानी का एक नाला गुजरता है, ये बिल्कुल साफ और शफाफ पानी होते है। हर गली से एक नाला गुजर है, लोग तो नाला बोल ये लोग तो नाला बोलते हैं, लेकिन ये माल मवेशी रखने की जगह है। पुराने तर्ज की बनी हुई गलियां और घर आप देखें। ऐसा फरमाए, अभी हम लोग मोहम्मद खान भाई के पास आए। बोतल वगैरह पीते हैं फिर आगे चलते हैं। मैंने कुछ ना कुछ माल मवेशी रखा हुआ है घर के बाहर, इस तरह की जगह इन्होंने बनाई हुई है जहाँ पे कुछ ना कुछ माल मवेशी रखा हुआ है। ज़्यादातर लोगों ने गाय और यॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर सेब के भी दरख्त हैं, ये आप देखें। ये अभी कच्चा है थोड़ा, इतना ही चाहिए जो से। ये पके हैं सेब, आप देख सकते हैं। अभी जी दिन का खाना हम लोग खाने खादिम हुसैन लोगों के घर पे, सफ़ेद चावल हैं, साथ में गोश्त है यॉक का और साथ में साग है। अभी आए हैं पर एक जगह, आप देखें कितनी खूबसूरत जगह है। हमारे साथ एहसन भाई भी, आपका क्या नाम है? शकील अब्बास। शकील भाई भी है, काजिम भाई भी है सर। अभी हम लोग पैदल जरा सा आगे जा रहे हैं, ये सामने भी एक गांव है, इसको क्या नाम है? चिल्मा का सर। और सामने आप खूबसूरत पहाड़ियां देख सकते हैं। पैदल जरा एक एक कर रहे हैं क्योंकि बाग वगैरह जो है वो ऊपर है। यहाँ से आप क्यों हम लोग जरा आगे जा रहे हैं, पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं तो क्योंकि ऊपर है बाग वगैरह। पीछे हसन भाई भी है, अब्बास भाई भी है। यस तक गाँव है जी, कर दूँ। ये पानी आ रहा है जी, बिल्कुल साफ शफाफ पानी है। यही पानी ये लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और भी सारे कामों के लिए। और ये बाग है, ये वाला बाग है। अभी जाते हैं बाग में। ये जी अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ये पुरानी सकाफ़ती गलियां हैं, पुराना पानी का सिस्टम देखें आप, ग्लेशियर का ठंडा पानी। ये अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ये अस्ताक रोंदू है, अस्ताक रोंदू में खेरजांग गांव है। ये हम उधर जा रहे हैं ऊपर, ये बाग है हमारे अपने फरमान चाचा, ये उनका बाग है, ये उनका घर है पुरानी तर्ज पे देखें बिल्कुल मुकम्मल। और साथ में ये देखें घिया कद्दू लगा हुआ है जी, फ्रेश फ्रेश बेहतरीन चीज़। ये सब्जी वगैरह लगाई हुई है इन्होंने, छोटी छोटी मिर्चें वगैरह, बाकी छोटी छोटी चीज़ें। अभी हम ऊपर जा रहे हैं बाग की तरफ, आपको बाग दिखाते हैं। मोइज़ है साथ में, काजिम भाई है, अच्छा एहसन है, अब्बास है साथ में। अभी हम जा रहे हैं ऊपर बाग की तरफ जी, ये रास्ता है बाग का। ये अभी बाग के अंदर हम लोग दाखिल हो रहे हैं। ये सेब लगे हुए हैं लेकिन कच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं पके हुए सेब। वीडियो बन।
वैस मामू सेब अभी ये उतारे, मैंने तो उतार लिए। ये देखिए जी सेब धोने का मसला नहीं है, पानी हमारे पास है। वैसे दरख्त से उतारी हुई चीज है, धोने की जरूरत नहीं है। देखूंगा हाल तो, लेकिन फिर भी हम एहतियात करेंगे। फ्रेश फ्रेश चीज ये आप देखें, ये बाग है सेब का। ये खुबानी लगी हुई है जी, लेकिन कच्ची है। सारे सेब के दरख्त हैं, आगे भी सारे सेब लगे हुए। आजम भाई अभी कावा ले आए हैं, कावा आजम भाई अभी कावा ले आए हैं, तो कावा हम लोग अभी देते हैं। मेहरबानी। ये जी यहाँ पर नाशपाती भी लगी हुई है, चाइनीज नाशपाती। साइज ज़ूम करके ऐसा साइज है सामने नजर आ रही है, हालांकि ये अभी तैयार नहीं हुई। साइज इसका देख लें आप, ये तो देख ज्यादा लगी। ये सारी नाशपाती लगी हुई है। आगे आपको पीला सेब भी दिखाते हैं जो पक कर पीला हो जाते हैं। एक तो ये वाला सेब था जो पक कर लाल हो जाते हैं, दूसरा पीला सेब होते है। ये जरचा भी लगा हुआ है, आड़ू की छोटी। ये आड़ू है जरचा, जैसे हम लोग अपनी जुबान में बोलते हैं, लेकिन ये उसकी चौकी नस्ल है। खुबानी जितना सिर्फ ये बड़ा होते क्या कहते हैं बल्ती में इसे, ककुशु। अच्छा सुन लिया आपने, ककुशु कहते हैं बल्ती में इसे। ये पीला सेब है जी, जो पक कर पीला ही हो जाते, लाल नहीं होता। गांव के बिल्कुल ऊपर हम लोग आ गए, सामने आप जगह देखें, ये नीचे गांव है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गांव है जी, जहाँ पर हम लोग रात रहे। ये अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं जी, अभी जाते हैं। तो आप लोगों को एक बड़ी नायाब चीज़ दिखाते हैं, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है ये आप देख लें। देख देख के बिल्कुल पाँव रखने पड़ते हैं। भाई इसे क्या बोलते हैं, इसे बल्ती में बोलते हैं जी डंगो। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखते हैं, अंदर होते हैं खटोर वगैरह, गंदम वगैरह, मकई वगैरह। सही, स्टोर करने के लिए ये सर्दियों में ज़्यादा। ये तो हर घर का बना हुआ है ना अलहदा। सही, अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत किस्म के फूल लगे हुए हैं दोनों तार। मकई भी लगी हुई है, फूल भी खूबसूरत किस्म के लगे हुए हैं। यहाँ पर अभी हम लोग बैठते हैं, ये बैठक का जी, इन लोगों के बैठने का स्टाइल जी होता है। हर घर में एक बैठक बनी हुई है अलहदा, इस तरह का स्टाइल होता है इनके बैठने का। ये जी अभी एहसन भाई के घर में हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी ये ले आए हैं तरबूज ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, ये क्या चीज है? ये हमारे बल्की में इसको छीन कर देते। अच्छा, चमड़े के बना हुए होते हैं। सही है, ये काफी पुराना है। अच्छा,
तो इससे क्या बनाते हैं? लस्सी। अच्छा, लस्सी को आपकी जुबान में क्या बोलते हैं? उसका भी तो कोई लेता नाम। दरबा। सही सही। ये बकरे का बना हुआ होता है, बकरे की चमड़ी का। ये चमड़ी होती है जी बकरे की, ऐसे ऐसे इस तरह करते हैं। सही। इस तरह लस्सी बना के लोगों को पिलाते हैं। सही। मक्खन निकल आते। ये जी छाछ से पुराने वक्तों में जो वॉशरूम होता था इनका, ये आप देख लें, ये पुराने वक्तों का वॉशरूम है इनका, छाछा बोलते हैं इसे बल्ती में। ये जो आपके पीछे लोहे हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? खुबानी नहीं, खुबानी को सुखाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो सही। गीला खुबानी है, उसको जो है ना, उसको दो हिस्सों में तकसीम करके। अच्छा। इसके अलग शक होते हैं। सही। शकों को इसके अंदर जो है ना, दो दो के हिसाब से। सही। फिक्स करते हैं। जी जी, फिट करते हैं अंदर। सही। तो इसके ऊपर प्लास्टिक होता है, अभी वो उतारा हुआ है। अच्छा। प्लास्टिक होता है, फिर प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग चढ़ाएंगे। जी जी। फिर उसको बाहर निकालना नहीं पड़ता, अंदर रखा और जल्दी 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 सूख जाते हैं। सही है, सही है जी। अभी जी हम लोग चलते हैं मोहम्मद खान भाई के तरफ, उन्होंने दावत दी हुई है खाने की, तो साथ में ही उनका घर है। बस अभी उन्होंने बंदा एक भेजा है, तो अभी उनके घर को जाते हैं। यूसुफ भाई को उन्होंने भेजा, अपने छोके भाई को। अभी उधर जाते हैं, खाना खाते हैं। अभी इन पुरानी गलियों से होते हुए हम लोग मोहम्मद खान भाई के घर की तरफ जा रहे हैं। फुल गांव का माहौल है, ये पुराने तर्ज के घर है इनके। ये भी आ गया मोहम्मद खान भाई का घर। अभी हम लोग चलते हैं इनके घर में। हम लोग बैठते हैं यहाँ पर, खाना आ गया। चावल है सफ़ेद, रोटी है, गोश्त है, और साथ में ये पलप्पू है। खादिम भाई क्या चीज़ है इसे, क्या बोलते हैं? पलप्पू बोलते हैं। पलप्पू ये किस चीज़ से बनते हैं? आटे से। सही है। ये यहाँ की स्पेशल डिश है, स्पेशल डिश है ये यहाँ की, सकाफ़ती डिश है यहाँ के लोगों की। और ये साथ में आ गया जी दरबा, लस्सी। हमारे जबान में इसको दरबा, बल्ती में इसको दरबा बोलते हैं। ये लस्सी आ गई है जी, बल्ती जुबान में से दरबा बोलते हैं और हमारी जुबान में लस्सी बोलते हैं। अभी ये सही गार के हम लोग इसे एक गिलास तीन गिलास बना दें। बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा 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 चीज है, और देख के खुशबू से पता चल रहा है खाने की, और सही का सकाफ़ती रवायती खाना ये देसी टाइप। सही।